नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सोहनी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी, तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्रेम प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नितीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सोहनी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है, भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था, जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है।
तो आप वहाँ जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सोहानी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी, तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्रेम प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा, सोहानी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है, भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था, जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है, बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है, उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था
और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहाँ जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताएं, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सुहानी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्रेम प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नितीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सुहानी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है, भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था, जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को
जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहाँ जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताएं, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सोहानी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सोहानी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है, भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था, जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है, बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता
उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहाँ जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूँगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताएं, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सुहानी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्रेम प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सुहानी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है। भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है।
महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों, इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहाँ जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सोहनी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों, 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों, 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी, तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्रेम प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सोहनी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है, भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था, जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर
लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों, इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहां जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सोहनी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों, 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों, 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी, तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्रेम प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा, सोहनी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है, भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द कोएंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है।
महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों, इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहां जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सोहानी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों, 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों, 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्रेम प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सोहानी
भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था, जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों, इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहां जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताएं, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सोनी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों, 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों, 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको
इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तारू, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सुहानी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है। भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहाँ जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताएं, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सुहानी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी, तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल
पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्रेम प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तारू, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सुहानी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था, जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहाँ जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताएं, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सुहानी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है।
और दोस्तों 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्रेम प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तारू, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सुहानी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपये का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों, इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहाँ जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है।
और दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सोहानी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्रेम प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सोहानी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपये का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहाँ जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन
स्पोर्ट मूवी दंगल। इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सोहनी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्रेम प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नितीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा, सोहनी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था, जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहां जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।
और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सोहानी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी, तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्रेम प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा, सोहानी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है, भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था, जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है, बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है, उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहां जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में।
तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताएं, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सोहानी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी, तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नितीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सोहानी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है, भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द कोएंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था, जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है, बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहाँ जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है
तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताएं, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सुहानी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी, तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्रेम प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सुहानी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है, भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द कोंजरिंग है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था, जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है, बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है, उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो
तो दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहाँ जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताएं, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सुहानी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी, तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्रेम प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सुहानी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है, भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था, जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है, बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए।
और दोस्तों इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहाँ जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सोहनी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी, तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सोहनी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है, भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था, जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव
पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों, इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहां जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सोहनी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों, 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों, 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी, तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्रेम प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा, सोहनी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था, जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता
उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो आप वहां जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सुहानी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्रेम प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सुहानी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है, भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था, इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है।
महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों, इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहां जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताएं, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सोहनी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों, 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों, 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो प्राइम वीडियो पे आप इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सोहनी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है, भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था, जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर
लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों, इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहाँ जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताएं, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सुहानी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों, 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों, 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सुहानी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है, भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द कोंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है।
महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पेंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, और यह मूवी एक ब्लॉकबास्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों, इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहाँ जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताएं, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सुहानी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों, 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों, 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी, तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्रेम प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है।
इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तारू, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सुहानी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था, जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों, इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहाँ जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सुहानी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों, 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों, 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी, तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको
इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तारू, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सुहानी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहां जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सुहानी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी, तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर
पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्रेम प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तरफ, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सुहानी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था, जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों, इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहाँ जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सुहानी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों, 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है।
और दोस्तों 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्रेम प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो प्राइम वीडियो पे आप इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तारू, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सुहानी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों, इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहाँ जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताएं, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी दंगल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है।
और दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सुहानी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सुहानी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था, जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहाँ जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताएं, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई एक्शन
स्पोर्ट मूवी दंगल। इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया नितेश तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको आमिर खान, बेबी सेना, सोहानी भटनागर, सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम, साक्षी तंवर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों 87% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। और दोस्तों 89% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताए गए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 41 मिनट की देखने को मिलेगी। तो इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है, तो इस प्रकार भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी होगी, तो वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको आए प्रेम प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो प्राइम वीडियो पे आप इसको इस वीडियो मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है, तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दंगल एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण आमिर खान ने किया है। इसका निर्देशन और लेखक का कार्य नीतीश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, जारा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सोहानी भटनागर है। यह फिल्म 31 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में दंगल प्रदर्शित हुई है। दंगल ने लाइफ टाइम 2207 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरे पायदान पर बाहुबली 2 द क्वेंजल है, जिसने 1850 करोड़ की कमाई की है। महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान रहता था, जिसकी अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ देता था। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसका सपना पूरा उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटे होने के वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सिखाना चाहिए। लेकिन जब उसकी बेटी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिल कर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उनसे भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है और उनसे कठोर तरीकों से सिखाता है। बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत कराना आदि। शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आता रहता था, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल ग्रहण के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दाव पंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में अपने भी भाग ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है। उसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले लेती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 2007 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है, तो आप वहाँ जाकर भी एक बार एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर आती है तो हमारे चैनल पर मैं बता दूँगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।